समाइना नाजरी न कराम अलकम वरम्त लि वर्क सुर बकर आयत नंबर दो सौ पचासी से शुरू करेंगे आऊज़बिल्लाश तो बसमिल्लर آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأتعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللَّهُ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ईमान ले आए हैं रसूल जो तालीम नाजिल की गई है उन पर उनके रब की तरफ से और मोमिन भी तमाम यकीन रखते हैं इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है यानी अगर हम सलीस तर्जुमा करें कि यकीन रखते हैं रसूल जो तालीम नाजिल की गई है उन पर उनके रब की तरफ से और मोमिन भी उस तालीम पर यकीन रखते हैं नामन नबिल्ला हर एक इन में से अल्लाह पर ईमान रखता है उसके मलाइकों पर उसकी किताबों पर उसके रसूलों पर ला फर्रकिन आदमर रसूल हम फर्क नहीं करते अल्लाह के किसी रसूल के दरमियान सब पर हमारा ईमान है वकालू और ये कहते हैं समय आना व कि हमने सुना और हमने इतात की गफरान का रब बना ऐ हमारे रब बख्श दे हमें और तेरी ही तरफ वापस लौट के आना है लायुकल्लफल नबस अल्लाह ताला तकल्ल्फ़ नहीं करता किसी नफ्स को लेकिन उसकी ताकत के मुताबिक लहा उसके लिए है इनाम जो उसने किया वालेहा और उसके लिए बुरे नतज हैं मक तस्बत जो उसने बुरे आमाल किए रबना अमारे रबला तो आखिजना तू हमारी पकड़ ना कीजियो इन नसीना अगर हम भूल गए औख्ता यह हमसे खता हो गई रबना वला तहमिल ए हमारे रब हम पर ना डालियो ऐसा बोझ कमा हमल तह अल लजीना मिन कबलेना जिस तरह के तूने और लोगों पर जो हमसे पहले थे उन पर डाला था रबना वला तो हम मिलना माला तो अतला ना ए हमारे रब हमें पाबंद न कीजिए उनकाम का जिसकी ताकत हमें न हो वाफ अनना हम से कीजिए वक़िल्लना हमें माफ़ कर दीजिए हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए वरमना और हम पर रहम कीजिए अन तऊलाना तू ही हमारा कारसाज़ है फ़नसुन अल कौमिल काफी बस हमारी मदद कर कौमे काफ़िरों पर स्वामी निकराम एक बात तो ये है कि मजमून वही है जो गुजा सबक हमने शुरू किया था लाफिल समावत अर्थ के अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है और एक तो ये नज़रिया सामि इकराम बड़ी अहमियत का हामिल है कि माफ़ी समावत अगर ये हमारा यकीन आ जाए इस पर तो क्या कहने सुबह ना यकीन और दिल से यकीन ऐसा यकीन कि उसके ऊपर कोई चीज़ ना आए ना आए और ये थोड़ा सा अगर हम सोच भी लें सामि इकराम तो कम अज़ कम एम्... यकीन के दो दर्जे तो हम हासिल कर सकते हैं यकीन यकीन और हक़ुल यकीन मैं कह रहा हूँ कि तीनों दर्जे हम हासिल कर सकते हैं यकीन के तीनों दर्जे हम हासिल कर सकते हैं थोड़ा सा अगर हम इसमें प्रैक्टिस कर लें ना तो यकीन के तीनों दर्जे हम हासिल कर सकते हैं और ये सूफिया कराम जो हैं ये जो मशक़ें कराते हैं ये इसीलिए कराते हैं कि इंसान जो इसके गिरदोपेश है उससे बेनियाज हो जाए अल्लाह अकबर अल्लाकबर और रसूल की तालीम भी मैंने सूफ़िया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि सूफिया जो है वो हक़ीक़ी नुमाइंदे हैं अल्लाह के और उसके रसूल के हाँ, तो वो मश्क़ ऐसी की कराते हैं और वो कहते हैं हमारी है हस्ती तो तेरा है पर्दा नेस्त अगर ये हो तो फिर तू ही तू है ये हमारे शेख में बहुत तकरार से ये बात कहते थे कि तुम अपनी हस्ती की नफी करो और अगर तुम अपनी हस्ती की नफी नहीं करोगे तो फिर उसका पर्दा रहेगा हमारी है हस्ती तो तेरा है पर्दा नेस्त अगर ये हो तो फिर तू ही तू है तो सामान्य थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है थोड़ी तरीक़ार के मुताबिक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और किसी रहनुमा की रहनुमाई में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है तो ये मंजिल इंसान पा लेता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि ये अपने यानी इस दुनिया और माफिया से इंसान जो है मावरा हो जाता है हाँ और फिर ये मंजिल जो है यानी वो यकीन की मंजिल वो पा लेता है और वो यकीन कर लेता है कि हाँ ले ला माफिल समावाते वा माफिल अर्थ अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है और ये मंजिल अगर इंसान पा ले तो फिर इस पे आसानियाँ आ जाती हैं क्योंकि ये तो अपने आप को तो भूल चुका है अपने आप को फरामोश कर चुका है और ये इस हकीक़त को पा चुका है कि ला माफ समावत वाफिल्ला ही कहे तो फिर इसी लिहाज से फिर ये सलूक करता है अपने जिसम के साथ अपने औलाद के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ अपने यार दोस्त के साथ अपने मुआरे में जो भी ये रहता है तो ये इस हस्ती से यानी दुनिया और माफिया से मावरा होकर अल्लाह के ज़िक्र में डूब कर अल्लाह की ज़िक्र की मंजिल को पा लेता है सामिकर ये आ, ऐसे मजामी हैं कि इसमें थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो इसमें असली दीन का मज़ा है हमारे जो दीन की रूह है और जो दीन का लुत्फ़ है जब इंसान इस मंजिल को पा लेता है कि ला हिमाफ समावा माफिल अर् तो फिर आ, वो फिर तू ही तू वाला मामला हो जाता है तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी अहम चीज़ है ये ज़िक्र नफ़िया बात जो सूफिया कराम कराते हैं उनमें भी एक यानी एक मकसद यही है कि अपनी ज़ात की नफ़ी कर दे इंसान अपनी ज़ात की नफ़ी कर दे और दुनिया और माफिया के की नफ़ी कर दे यानी इसके दिल में जो हैसियत है दुनिया और माफी की इससे बालताक हो जाए और फिर कहे ए ला अल्लाह नहीं है कोई चीज नहीं यानी किसी चीज की हकीकत नहीं है किसी चीज का अपना जाती वजूद नहीं है किसी चीज में जाती नफा और नुकसान नहीं है सारी ताकतों का मालिक एक है सारी हकीकतों की हकीकत एक है अल्लाह एक अल्लाह तो सामिहन निकराम ये जरूर यानी मेरी गुजारिश ये है कि इस मौजू में आप लोग दिलचस्पी लें और जिससे जितना बन पट बन सकता है जो जितनी कोशिश कर सकता है तो इसमें कोशिश करनी चाहिए वफीजा लिकफल या तनाफसल अल्लाह और ये मंजिल पा लेना इंतहा जरूरी है सामी निकराम क्योंकि जो तकवा की मंजिल है वो इसके बग़ैर जो है उसका लुत्फ नहीं आता तकवा का और तकवा पैदा नहीं हो सकता यानी जिस तरह के आ, होना चाहिए इत यानी अल्लाह ताला बार बार जो तखवा की हमें हिदायत करता है ना तो ये एक चीज़ जो है और कल गुजशत दस में भी मैंने आपको बताया था कि यह एक मुक़ाम अहसान है कि किब का तरह फिलम तक तरह फ इन हो कि तुम रब की बंदगी ऐसा करो कि गोया कि तुम उसे देख रहे हो और अगर उसे नहीं देख पा रहे तो कम अज़ कम ये हालत हो तुम्हारी कि तुम ये महसूस करो कि वो तुम्हें देख रहा है यानी उसको अपने पास ही पाओ अपने पास मौजूद पाओ और हकीकत यह है कि वह तो हमारे पास मौजूद ही है वह हो महाकुम अन् तुम जहां भी हो वो तुम्हारे साथ ही है तो ला माफ समावत वाफिल मा अर्द में बहुत गहरा मजमून है और इसको समझना चाहिए फिर यह है कि मुहासिबे का है कि तुम देखो गाफिल ना हो और तकवा का दामन हाथ से ना छोड़ो व इन ये फिर उसकी थोड़ी सी तफसल है व इन माफी अनफ सम औतफूह हो युसपुम भल्ला ये उसकी थोड़ी सी तफसल है कि कैफियत फिर यानी वो मुहासबा का एहसास पैदा हो जाए अल्लाह ताली फरमाना है कि तुम तुम्हारे दिलों में जो है उसको तुम जाहिर करो या पोशीदा रखो उसका तुमसे मुहासबा ज़रूर होगा मैं उसका हिसाब किताब ज़रूर करूँगा और फिर उसके मुताबिक तुम्हें सज़ा दूँगा या माफ़ कर दूँगा लेकिन वल्ल कुल्ल क़दीर में मज़मून यह है कि सामी ऐसा हर एक के यानी इंसान अगर एक इंसान अल्लाह ताला की क़ुदरतों से बेबहरा हो और कुछ महदूद तस्वरत हों तो उसको ये नहीं समझना चाहिए यानी अगर आम इंसान की हैसियत से हम देखें तो देखें अरबों अरबों इंसान हैं अरबों इंसान हैं तो हर एक के नफ्स की जो हालत है जो कैफियत है जो उसके दिल जो, जो जाहिर कर रहा है या उसको अपने दिल में पोशीदा रख रहा है हर एक से हर एक का हिसाब होगा मुहासिबा होगा तो ये थोड़ा सा बज़ाहिर इंसान को आ, मुश्किल लगता है लेकिन नहीं वल्ल आला कल शदीर में ये मज़मून है कि अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है ये आमन रसूल बमज़िल मबी ही वमिन में सामिकर थोड़ा सा अगर हम सोचें और तदब्बर करें कुरान में तो ये कुछ बज़ाहिरजीब सा लग रहा है कि ईमान ले आए हैं रसूल जो नाजिल किया है उनके रब की तरफ से और मोमिन ईमान लाए हैं तो रसूल मोमिनों का ईमान लाना तो कोई यानी लगता है कि इसका कोई मतलब है लेकिन ईमान रसूल ईमान ले आए जबकि रसूल पैदाइशी तौर पर चुनाव चुनी हुई हस्ती होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन कबल इसके कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये आयत का नजूल किस वक्त हुआ था सामि कर इन आयत का नजूल जो है वो हुआ था हिजरत से एक साल पहले तकरीबन बारहवीं में हजरत हुई थी और ग्यारहवीं का ये नज़ुल है तकरीबन लगभग तो ग्यारहवीं में हालात आप देखें कि लोग जो है हजरत कर रहे थे एक हजरत दो हजरतें हो चुकी थी हबशे की तरफ दो हजरतें हो चुकी थी मुसलमान कुछ हबशे में थे कुछ जो है मक्के में थे जो मक्के में थे वो कुफ़ार के लम सितम से तंग आकर उन पर ज़मीन जो थी वो तंग कर दी गई थी और उनका रहना जो है वो दूबर कर दिया गया था तो उनको भी हिजरत का हुक्म अल्लाह तयनायत फरमा दिया तो स्वामी निकरम ये आ, वो हालात हैं वो सख्तरीन तकालीफ का दौर है और जैसा कि मैंने आपको बताया उन हालात में ये इन आयत का नज़ुल हुआ था और वैसे भी यानी एक इंसान जो है यानी आज भी जो हमारे मुसलमानों की अक्सरियत है वो यकीन से खाली है एक तो इस्लाम के बारे में तज़ब्ज़ुब का लोग शिकार हैं और नंबर एक बात तो यह है कि इस्लाम की हकीकत बहुत कम लोगों को मालूम है और बहुत कम लोग जो है वो हकीकत मालूम करना चाहते हैं ये बात भी है ना यानी कोई लोग कोई जस्तजू नहीं है इस्लाम की दीन की कोई जस्तजू नहीं है कि इस्लाम क्या चीज़ है इसके क्या मकासिद हैं क्या फ़वाद हैं क्या नतज हमें ये दे सकता है इसकी कोई जस्तजू नहीं है बस एक रस्मी तरीके से हम ईमान हमारे आ, हमारे साथ मंड दिया गया है पैदाइशी तौर पे है ना अगर माँ बाप हमारे ईसाई होते यहूदी होते हिंदू होते सिख होते तो हम भी आ, फिर ऐसे ही होते और अब पैदाइशी तौर पे मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं तो बस अब ये एक ऐसी चीज है कि वो हम इसको जान नहीं पा रहे और ना जानने की कोशिश कर रहे हैं बस सुनी सुनाई बातें हैं सारी सुनी सुनाई बातें हैं लेकिन एक मैं बात आपको बताऊं कि ईमान के जो जायका है या जो लुत्फ है वो आप जब तक इस्लाम के बारे में तहक़ीक नहीं करेंगे दीन के बारे में तहक़ीक नहीं करेंगे कलम का मतलब नहीं जानेंगे तो आप इस्लाम की जो फ़वाद हैं उससे लुफ़ानंदोज़ नहीं हो सकते पैदाइशी तौर पर मुसलमान हो जाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अल्लाह यानी यह आपको जानना चाहिए कि पैदाइशी तौर पे जो हमारा इस्लाम है वो हमें इतना फायदा मंद फायदा नहीं दे सकेगा ठीक है हम कलमा पढ़ रहे हैं लेकिन कलमा जो है वो पैदाइशी है बिला सोचे समझे है सर यानी वो तोते की तरह जो हम रट लेते हैं वो रटा हुआ जो है वो इम, कलमा है सारी चीज़ें जो हैं वो रटी रटाई हैं चंद सूरतें जो हैं वो हम बचपन में हमें रटा दी जाती हैं कलमा रटा दिया जाता है पैदा होते ही बच्चे को कलमा रटा दिया जाता है बस वो बग़ैर सोचे समझे उसको पढ़ता रहता है और सामीन कर मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूँ यानी जिस तरह मैं महसूस करूँ वो ये है कि कलमा तो हम पढ़ रहे हैं और यह भी दुरुस्त है कि हर कलमा गो मुसलमान है यानी इस्लाम शरीयत का ये कानून है कि वो जाहिर को देखती है और जाहिर पे हुक्म लगाती है एक इंसान अगर आपको सलाम कर रहा है तो हम उसे यह नहीं कह सकते हम उस पर मुसलमान का गुमान करेंगे वला तक अल्का मुसलमिना तुम किसी को तुमसे कोई मुलाकात करे और तुम्हें सलाम करे तो उसको ये न कहो कि तुम गैर मुस्लिम हो लस्त मुबिन तो एक शरीयत की बात होती है शरीयत जो है वो जाहिर के अहकाम लगाती है लेकिन बातिन का हाल जो है वो थोड़ा सा जाहिर से मुख्तलिफ होता है और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ममिनन्ना से मई यकूल आमन्ना बिल्ला व बिल्वमिल वमा हम बिमिन लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं अल्लाह पे और उसके रसूल पर लेकिन जान लो हकीक़त हाँ यह है कि ये मोमिन नहीं है व माहम हाँ तो दूसरी जगह अल्लाह तला इरशाद फरमाते हैं कि या योलिन आमन आमिन ए ईमान का दावा करने वालो तुम सही ईमान ले आओ अल्लाह की अल्लाह पे और उसके रसूल पर बहरहाल ये हकाइक जो है ये अभी भी ऐसे ही हैं कि हमारा ईमान नहीं है उस तालीम पर जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है यानी जो अक्सरियत है स्वामी निकराम हमारे जो गिरदोपेश रह रहे हैं उनमें अक्सरियत का ऐसा यकीन नहीं है जैसा कि यकीन होना चाहिए देखें एक आदमी का जहर एक गिलास में जहर एक आदमी के सामने एक गिलास में पानी डाल के उसमें जहर मिला दिया जाता है दूसरा आदमी प्यासा है तो अगर उसके सामने जहर मिला दिया जाए उस पानी में तो आप मुझे बताइए कि वो शख्स वो पानी पी लेगा हरगिज़ नहीं नहीं पिएगा क्योंकि उसे यकीन है उसको आंखों देखा यकीन है कि ये इसमें जहर मिला दिया गया है तो वो अपनी मौत को तो कबूल ही नहीं कर सकता मौत मौत से तो वो प्यार नहीं करता जिंदगी से प्यार करता है तो वो प्यासा शख्स जिसको शदीद प्यास लगी है तो वो यकीन इस कैफियत को कहते हैं यकीन का माना आप समझिए यकीन कि बिल्कुल ऐसा यकीन जैसे कि आग पर अपना हाथ आप नहीं पकड़ते आग के चूल्हे चूल्हा जल रहा है कोई आपको कहे कि भाई मैं आपको पांच लाख देता हूं तुम दस मिनट तक ये हाथ को इसको बारबी क्यों कर लो कर लेगा पांच लाख रुपए की पेशकश कबूल कर नहीं करेगा अल्लाह अकबर तो यकीन इस चीज का नाम है ये सामान्य निकराम नोट कर लें शैतान नफ्स ये हमारे दुश्मन है लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है इन न शैतान लकुम अदबों व अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि आदा अदो का नफ्स का लजीब है न जम तुम्हारा दुश्मन नंबर एक तुम्हारा नफ़्स है जो तुम्हारे पहलू के अंदर है अल्लाह के अल्लाह ने फरमाया है कि अरे तमन इत हवा क्या देखा है तुमने उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना मबूद बना लिया है ख़्वाहिशात नफ्स पर चल रहा है ये सारी बातें यानी हमें मालूम है लेकिन इस पर हमें यकीन नहीं है बावजूद ये बातें मालूम होने के शैतान के वसवसात पे हम अमल कर रहे हैं उसकी बंदगी में मसरूफ़ हैं उसका बंदगी का मतलब कहना मानना उसका कहना मान अक्सर लोग जो हैं वो शैतान के बताए हुए रास्ते पर शैतानी काम कर रहे हैं आप देखें ना आप मैं और आप जिस माशरे में रह रहे हैं वहां आप मुझे बताएं कि मेरा ये जुमला गलत है कि सही है कि लोग शैतानी कामों में मसरूफ हैं शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं जो भी गलत काम है वो तो अल्लाह ताला का बताया हुआ नहीं है वो तो माल की मोहब्बत है तो ये तो शैतान अशैतान याद कमुल अमकुम बिल्फाशाह शैतान तुम्हें फक्र से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है तो लोग फिर अब कंजूस बन गए हैं अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते और बेहयाई के अल्लाह बेहयाई के अल्लाह ताला की नाफ़रमानी के कामों में मसरूफ़ हैं तो ये शैतान है अशैतान याद कोल फ़्र फिर नफ्स के मन चाही ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ये भी इससे भी आप इख्तलाफ नहीं कर सकते अगर कोई शख्स मन चाही ज़िंदगी नहीं गुजार रहा बहुत अच्छा शख्स है वो अल्लाह ताला का बंदा है अल्लाह के अहकाम की, की इत कर रहा है रसूल की पैरवी कर रहा है मुबारकबाद के काबिल है शाबाश है उसके लिए लेकिन मैं तो अक्सरीत की बात कर रहा हूँ अक्सरीत जो है हमारे माशरे की मैं और आप जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ लोग जो है शैतान के बताए हुए रास्ते पर मन चाही ख्वाहिशात पर अपने नफ्स की नफ्स के तकाज़ों पर अमल कर रहे हैं दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार है तो ये अल्लाह ताला का तो हुक्म नहीं है कि तुम दुनिया से मोहब्बत करो ये अल्लाह के रसूल ने तो हमें नहीं सिखाया वा ये तो शैतान नफ्स व शैतान कहता है कि दुनिया को चाहो अब दुनिया रसुकिया तो यकीन रसूल यकीन रखता है जो तलीम उस पर नाजिल की गई है इसका मतलब यह है कि रसूल का ये साम्य कर थोड़ा सा आप ये तस्वुर कीजिए कि ये आयात किस ज़माने की हैं ग्यारहवीं नबीं की जब सख्तरीन हालात थे मुश्किल थी उस ज़माने में सारे काम होते हैं सामिन कर यकीन से अंजाम पाते हैं आपको पता भी होगा इंसान हर वो काम करता है जिस पर उसका यकीन हो अल्लाह अकबर ये एक दूसरा नुकदा अगर मैं आप आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि इंसान वो काम करता है जिस पर इसको यकीन हो और वो काम नहीं करता वो अमल नहीं करता वो नजरिया नहीं अपनाता जिस पर इसको यकीन ना हो अल्लाह, जाहिर पर हमारा ईमान है जाहिर पर अकीदा है जाहिर पर ईमान है जाहिर अब जब देखें यकीन की बात है सोना चांदी जाहिर मैं मैं मेरे वालदेन मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरा कारोबार मेरा ये सब कुछ जो है इस पर हमारा यकीन है इसी से हम मोहब्बत करते हैं इसी को दिल में रखते हैं और इसी के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये बात भी मैं आपको बताऊँ सामिन इकराम के अल्लाह ताला ऐसा अल्लाह का हुक्म ये नहीं है कि तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगो तुम दुनिया को माल और दौलत को चाहने लगो यानी सिर्फ़ अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए नफ्स के तकाज़ों पर अमल करते हुए तुम अपने बच्चों से मोहब्बत करो और अपने बीवी से मोहब्बत करो वालदेन से मोहब्बत करो अल्लाह की यानी अल्लाह को छोड़ के तुम उससे लो लगा लो सामिहन करम एक वाक़ मुझे याद आ रहा है ये जंग खंदक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तु के बर जो थे वो मुशरक़ों की तरफ़ से आए हुए थे उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे तो बाद में तो वो मुसलमान हो गए थे फिर जब मुसलमान हो गए तो घर में बैठे हुए थे अब तो वो साहब रसूल बन चुके थे लेकिन एक मौका बातों बातों में एक बात होने लगी तो बेटे ने अबू से कहा कि अबू जंग खंदक में जंग एहज़ में आप मेरे तीर के निशाने पर थे और लेकिन मैंने इस लिहाज से कि आप मेरे अबू हैं मैंने आप पे तीर न चलाया छोड़ दिया हज़रत अबूबकर सिद्दीक रदी अल्लाह तु ने जो जवाब दिया उसको आप सुने और जो मेरी बात है फिर उस पर गौर करें हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तु ने उनको जवाब दिया कि बेटे तूने तो मुझे छोड़ दिया कि मैं तुम्हारा अबा था लेकिन अल्लाह की कसम अगर तुम मेरे निशाने में होते तो मैं इस वजह से मैं तुम्हें ना छोड़ता बल्कि तुम्हें मार देता इस वजह से ना छोड़ता कि तुम मेरे बेटे हो मैं तुम्हें हलाक कर देता अगर तुम मेरे निशाने पर होते ये सामी निकरम ये बस थोड़ा सा फर्क है कि ईमान वाले जो हैं उनकी शदीद मोहब्बत होती है अल्लाह के अल्लाह ताला के साथ बाकी मोहब्बतें वो करता है बच्चों से करता है बीवी से करता है माँ बाप से करता है इनसे थोड़ी सी मोहब्बतें करता है लेकिन वो अल्लाह की वजह से करता है शफ़कत, यानी मोहब्बत से मेरी मुराद ये है कि वो थोड़ी सी फितरी एक चीज़ होती है बच्चों के बारे में और बच्चों की वालदान के बारे में वालदेन की अपनी तो लेकिन इसके अलावा मोहब्बत जो है ये आप सामने कराम नोट कर लें कि ये सिर्फ़ अल्लाह ताला का हिस्सा है वल्लाजी ना मनोशद हब्बल्ला शदीद मोहब्बत अल्लाह बाकी मोहब्बतें अल्लाह के लिए होती हैं अल्लाह ती वजह से होती हैं और वो हदीस भी मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी कि मन अब्ब्ब्ब्ल है व अब गज़ाल्ह व आता व मना फ़कत इस तकम ईमान जिसने महब्बत की अल्लाह के लिए नफ़रत की अल्लाह के लिए दिया के लिए मना की अल्लाह के लिए उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया तो आमर रसूल रसूल का यकीन है सामिकर रसूल का तो यकीन है लेकिन हमारा यकीन नहीं है हमारा यकीन दुनिया पर है हम तो दुनिया के लिए जी रहे हैं दुनिया और माफिया के लिए जी रहे हैं अल्लाह के लिए तो नहीं जी रहे आखिरत के लिए तो नहीं जी रहे रसूल की मोहब्बत में तो नहीं जी रहे हम तो दुनिया के लिए जी रहे हैं दुनिया और माफिया के लिए जी रहे हैं अपने लिए जी रहे हैं अपने जाहिर नफ्स के लिए जी रहे हैं अपने जाहिर जिस्म के लिए जी रहे हैं जाहिर जो कुछ भी है हम जाहिर पर हमारा यकीन है ये सामने निकराम ये बात तो है लेकिन ये इसको सोचने की ज़रूरत है मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला आला करे कि ऐसा ना हो जैसा कि मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अक्सरियत है आज कल हम और आप जिस माशरे में रह रहे हैं उन मुसलमानों की अल्लाह पर एक तो अल्लाह पर यकीन नहीं है जैसा कि होना चाहिए रसूल पर ईमान नहीं है जैसा कि होना चाहिए कुरान पर ईमान नहीं है जैसा कि होना चाहिए हाँ रस्मी ईमान है और रस्मी सिर्फ़ नाम का ईमान है हकीकी यकीन नहीं है हकीकी यकीन होता तो ये क़रान जो था ये कुरान जो हमारे सामने है तो ये ताकि निसिया में हम ना रखते इसको अपनी जिंदगी का अमल बना लेते अगर हकीकी यकीन होता तो अल्लाह ही को हम मकसूद बना लेते अल्लाह ही को हम महबूब बना लेते अल्लाह ही को हम मकसूद बना लेते अल्लाह ही को मतलूब बना लेते अगर हकीकी यकीन होता हो अगर रसूल पर यकीन होता तो हम रसूल के नक्श कदम पर चलते रसूल का अक़ीदा को अपना अकीदा बना लेते उनकी ज़िंदगी को अपने लिए उसव हसना करार देते अगर यकीन होता लेकिन यकीन नहीं है तो रसूल की इत कौन कर रहे कितने ऐसे लोग हैं हैंशरे में जो इतबा रसूल में मसरूफ हैं रसूल की इतबा में मसरूफ़ हैं अल्लाह की बंदगी में मसरूफ हैं कुरान उनका रास्ता बन गया है हाँ तो ऐसे तो लोग बहुत कम है सामने निकराम तो यकीन इसको नहीं कहते जैसे कि हम दावा करते हैं कि भाई हमारा तो यकीन है वो पठान जो है अपनी जो रोजमर्रा की गुफ्त में कहते हैं पईमान पैमान अल्लाह की कसम अल्लाह पर मेरा ईमान है अल्लाह पर ईमान है कोई भी दुनिया भी बात करते हैं पैमान पैमान कहते हैं ना इसको यकीन नहीं कहते साम कर नोट कर लें नोट कर लें ठीक है मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझसे आप बात बात कर सकते हैं नहीं कह रहा तो फिर सोचें और अपनी इसलाह की कोशिश कीजिए और ईमान ले आइए अल्लाह पर कि वही मेरा खालिक है वही मेरा मालिक है वही मेरा रब है वही मेरा मबूद है वही मेरा मकसूद है वही मेरा मतलूब है अल्लाह। और जो यक, यानी आमन रसूल बेमा उनजिल रसूल का यकीन है जो तालीम उस पर नाजिल की गई है अब जो तालीम नाजिल की गई है ये हमें कहाँ ले जाती है किस तरफ बुलाती है व इन नदीला सरात मुस्तकीम सरात लाजी लहु माफिस समावात मा अर्द ए रसूल आप तो इनको दावत देने वाले हैं अल्लाह की तरफ सरात मुस्तकीम की तरफ सरात मस्तकीम क्या है ये तो रास्ता है उस जात का जिसके लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है तो कुरान तो हमें दावत देता है और रसूल हमें दावत देता है अल्लाह ताला की तरफ रसूल का उस दावत पर यकीन है यानी क्या मकत कि रसूल का मकसूद एक है रसूल का मतलूब एक है रसूल का महबूब एक है और उस पर उसको यकीन है और उसके साथ जो साथी हैं उनके उनको भी इसी तरह यकीन है जैसे कि रसूल को यकीन है अल्लाह अकबर क़राम इस फहरिस्त में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भी ईमान हम भी ईमान ले आए उस तालीम पर जो कि रब की तरफ से हमारे लिए रसूल पर नाजिल हुई है जुमला मैंने अर्ज़ किया लेकिन ये कुरान की आयत का तर्जुमा है हमारे लिए नाजिल की गई है रसूल पर हमारे लिए नाजिल हम उस पर यकीन कर लें उन मकासद पर यकीन कर ले बात यह है कि उन मकासद पर यकीन कर ले जो कि हमें कुरान ने जो कि कुरान हमें बसा सार्बिकम वजन्नत नार दो दिस समावल अर्द जल्दी करो सारे जल्दी करो अपने रब की बख्शिश की तरफ और उसकी तैयार की हुई जन्नत की तरफ जिसका आर्ज जो है वो जमीनों आसमान के बराबर है तूल के क्या कहने आर्ज कायनात के बराबर है तूल के क्या कहने अल्लाह अकबर आर दोहा का अर्द इवल अर्थ मतकीिन के लिए तैयार की गई है सामिन क्राम ये ज़रूर जहन में रखे रखें लिल लिलमतिन क़ुरान हिदायत है मतकीिन के लिए जन्नत तैयार की गई है मतकी के लिए लिल लिलमतिन तो तकवा की सिफत सामिन क्राम पैदा करनी चाहिए और तकवा की सिफत कैसे पैदा होगी कि जब आप यकीन कर लें उस तलीम पर कि जो रसूल पर नाजिल की गई है हमारे लिए आमनर रसूल बेमा मब ही वलमून यह आयत दोबारा मैं आपको आर्ज़ कर रहा हूँ कि यह आयत किस ज़माने में नाजिल हुई थी उस ज़माने की मुश्किल लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मुश्किल मुश्किल नहीं रहती जबकि यकीन पैदा हो जाता है ये एक बात नोट कर लें मुश्किल मुश्किल के अल्फाज तो आते हैं लेकिन मुश्किल उस वक्त मुश्किल नहीं रहती जबकि यकीन की कैफियत इंसान हासिल कर लेता है तो यकीन पैदा करने की कोशिश की जाइए की जानी चाहिए और यकीन आप अकेले नहीं हासिल कर सकते हैं। फिर मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक अल्लाह वाले की निगरानी में आपको यकीन हासिल करना होगा जैसा कि यकीन यानी यानी वो आपको यकीन के दर्जे तय कराएगा सामने सामिनेिक नाम ऐसी मशकें आपको बताएगा कि इसके यकीन के दर्जे आप तय कर लेंगे तो फिर जो है सामने रूए यार हो ये भी हमारे शेख में शेर सुनाते थे कि सामने रूए यार हो फिर सजदे हों नियास के यू ही हरी में नाज में आठों पहर नमाज हो Allah, Allah, Allah। फिर ये कैफ़त जो है आ, जो अहल नज़र है तो फिर उनको ये कैफ़त हासिल हो जाती है और वो एक फिर बारह एक और शेर उनका शेख़ में सुनाते थे नूर तजल्ला में रसद ए तूर दिल सद पारशो ए मुरख बिश्कन कफस जी खाक ना आवार शो ये जब कल्ब का तस्किया हो जाता है स्वामी निकराम कद अफलाजक का जब कल्ब का तस्किया हो जाता है तो फिर जाहिर है कि इसमें तो फिर यार का नूर आ जाएगा और ये फिर जगमगा जाएगा तो फिर कुछ ऐसी कैफियत बनती है कि नूर ए तजल्ला में रसद ए तूर दिल सत बारशो ए मूर्ख बिश्कन कफस जी खाकद आवार शो अल्लाह के नूर की तजल्ली आ गई ए दिल के कोहे तूर तू टुकड़े टुकड़े हो जा फलम्मा तजल्ला रबहू लिल जबल जाल दक्का ए तू रिल सत पारिशन आ रो बहर स्वामी निकरम यह मनाजिल कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन यह है कि हमारी सारी तोज्जो तो दुनिया के समेटने पर है तो फिर वो रहमतें फिर कौन समेटेगा यह भी तो सवाल है ना तो ईमान ले आए हैं रसूल यकी ईमान का मतलब यकीन है रसूल को उस तालीम पर जो रब की उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल की गई है और मोमिनों का भी यकीन है इसी तरह कुल आम नबिल्ला इनमें से हर एक ईमान ले आया अल्लाह पर यकीन है कि रब हमारा अल्लाह हमारा रब है अल्लाह हमारा महबूद है अल्लाह हमारा महबूब है अल्लाह हमारा मतलूब है उनका यकीन है इस बात आमन कुल आम बिल्ला आपको ईमान बिल्ला की मैंने तशरी करता रहता हूं कि ईमान बिल्ला का मतलब क्या है वह मलाइकती ही और उनका यह भी यकीन है कि मलाइका है मलाइका से सामी निकरा मलाइका से मुराद एक ऐसी मखलूक जो इंसान और अल्लाह के दरमियान वासिता और इंसान की खिदमत के लिए जो मुकर किए हुए हैं अल्लाह ताला ने जो मखलूक उसको क्या कहते हैं उसको मलाइका कहते हैं मलाइका पर जमनी तौर पर मैं आपको एक नुकता ये भी बता दूं कि मलाइका पर ईमान का एक जमनी नुकता ये भी है कि इंसान वास पर यकीन रखता हो मलाइका क्या है एक वास है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरह रास्त नाजिल हुआ है नहीं फरिश्ता लेके आया है नजल हूँ आला कल्बिक फरिश्ता लेके आया है उन्होंने हुजूर के दिल पे वही कौन लेके आते थे जिपराईल मीन वही लेके आते थे और वही यानी कुरान कौन लाया है अल्लाह ताला की तरफ तो फरिश्ता जो है फरिश्तों पर ईमान से एक बात जिमनी तौर पर यह भी निकलती है सामि निकराम के इंसान और अल्लाह के दरमियान वास्ता वास्त की जरूरत है और अल्लाह तला बगैर वास्तों के काम नहीं करता अब देखें यह आलम इसबाब है लेकिन अगर आप इसको आलम इस वासता कहें तो बेजाना होगा खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता सारे काम अल्लाह ताला करता है लेकिन वासितों से करता है असबाब से करता है जमीन से सब्जा कौन उगाता है अल्लाह बारिश कौन बरसाता है अल्लाह रूह कौन फूकता है बच्चे में रूह कौन फूकता है अल्लाह रूह कौन लेता है वापस अल्लाह सब कुछ अल्लाह ताला करता है लेकिन तमाम काम वास से करता है जो शख्स वासितों से मुनकर है तो वो शख्स मतलब नादानी है उस शख्स की कि ये वासिते से मुनकर है और वासिते की जरूरत नहीं महसूस करता वासिता लाजमी चीज है ये आलम इसबाब है साम्य निकराम अल्लाह ताला तमाम काम वासितों से करता है तो इसमें यानी मलाइकों पर जो ईमान है तो उसमें एक पहलू ये भी है कि इंसान का ये यकीन हो कि सारे काम जो हैं अल्लाह ताला वासितों से करते हैं तो अल्लाह ताला तक अगर इंसान जाना चाहे तो वो लोग जो कहते हैं कि हमें किसी वासिते की ज़रूरत नहीं है वो अपने इस ख्याल पे दोबारा सोच लें अल्लाह ताला का तमाम निज़ाम जो है वे वासितों पर है हम रह रहे हैं आलम वासिता आलमे में आलम असबाब में रह रहे हैं सबब बनना चाहिए तो जब आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए असबाब की ज़रूरत है इसके लिए सबब की ज़रूरत है और वो अल्लाह ताला ने कुरान में भी हमें बताया है ये तो फिर सोचने की बात है अर रहमान फस अल बही खबीरा देखो रहमान के बारे में अगर तुम जानना चाहो तो किसी खबरदार से पूछो फस अल कुमला जिक्र वालों से पूछो अल्लाह वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते व तबे सबी लमन अनाब इलई और उस शख्स के रास्ते की पैरवी करो जो मेरी तरफ रुजू कर चुका है व तबे सभी लमन अना बिलय मन अनाब इले जो भी रसूल है या नायब रसूल है मन अनाब इले जो भी मेरी तरफ आ चुका है उसके लिए फिर अपनी शराय हैं और अपनी मैारात हैं उसमें मैं नहीं जानना चाहता लेकिन वासता या यूहजी आमन तकुल्ला वजाहिदूफी सबी लि वब तगो इला वसी तलाकुम तुफलि ए ईमान अल्लाह का तक़्वा इख्तियार करो और खूब कोशिश करो उसके रास्ते में उसकी तरफ जाने के लिए लेकिन वब तगो इला वसीला उसकी तरफ कोई वसीला कोई जरिया तलाश करो तो साम्य निकराम दोबारा वो लोग सोचें इसमें मेरा कोई ذاتی फ़ायदा नहीं है इस बात में ना मैं किसी अकीदे का मुबलक हूँ नहीं मैं वो बात कह रहा हूँ जो कुरान में है जो तरीक़ा कुरान का है वो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि वासिता ज़रूरी है ये आलम वासिता है आलम इसबाब है तो मलाइकों पर ईमान का एक जमनी तौर पे ये भी यकीन का ये मतलब भी है कि आपने वासिते पर यकीन किया मलाइकों पर यकीन किया आपको यकीन होना चाहिए कि हमारे और अल्लाह के दरमियान वासिते हैं फरिश्ते के वास्ते हैं अब भी मतलब यह है कि देखें आ, जो शैतान के रास्ते पर चलेगा शैतान उसका साथी बन जाएगा वो मैं अन जिक्र रहमान له लहू शैतान له करी लेकिन आप अगर अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं तो नेक लोग जो हैं अल्लाह वाले जो हैं उसकी रूहें आपका फिर मददगार हो जाती हैं ये सामाजिक राम थोड़ा सा मैंने आपको एक टच दे दिया है इस पर आप सोचें वह कुतुब ही इनका ईमान है किताब पर किताब जो हमारे सामने है इस वक्त कुरान हकीम किताब का मतलब हिदायत किताब में क्या है हुदन है हिदायत है हिदायत यानी आपका ईमान हो कि मुझे ज़रूरत है हिदायत की अपनी जिंदगी से मैं जिंदगी नहीं गुजारूंगा मेरी फलाह इसमें है कि अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर मैं चलूँ अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते तरीक़े के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूँ तो वो तरीका किताब में है वह रसुल है और उसका तरीका कौन बताएगा उसके रसूल बताएंगे कोई ये न समझे कि किताब काफी है नहीं किताब और अल्लाह का रसूल तरक तो फीक अम्रैन जोर फरमाते हैं कि दो बातें जो हैं वो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ अगर तुम इसको मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत सुन्नत नबी के तो वह सुन्न वो, वो रसुल उसके रसूलों पर ईबान ये सारी बातें जो हैं कुल आम बिल्ला वमलाय का वकुतुब व रसुल ये सारी बातें जो हैं ये ज़रूरी हैं कि इस पर हमारा ऐसा यकीन हो जैसा कि होना चाहिए लान कुबैन कब आहद मसूल हम फर्क नहीं करते माबेन उसके रसूलों के यानी रसूल जो है सामिकर में एक वासी है मखलूक़ और खालिक के दरमियान रसूल एक वासी है ये लानफर क़ुबैन आदिम मेरे रसूल का मतलब यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के रसूलों के दरमियान फ़र्क करते हैं जैसा कि अहल किताब हैं आज कल आप देख लें उसकी बड़ी मिसाल जो जहल है, किताब हैं अपने रसूल को मानते हैं लेकिन हजूर सल्ला वम की रसालत को नहीं मानते उस पर ईमान नहीं लाते तो ये कैसा ईमान है हमारा तो ईमान यह है कि हम अल्लाह के तमाम रसूलों पर हमारा ईमान है कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे साबित हो गया यहाँ भी अगर किसी रसूल का जिक्र नहीं है लेकिन आज भी अगर किसी ज़रिए से किसी शख्स के मुतालिक ये बात पाए तकमील तक पहुँच जाए सबूत के तौर पर कि यह अल्लाह के रसूल थे तो हमारा बिल्कुल उस पर यकीन होगा और हमारा हम फर्क नहीं करेंगे उनके रसूलों के दरमियान यानी आज भी इस खत्ते में यानी इस वक्त तो हम यकीन से नहीं कह सकते ये सारे मजाहब जो हैं ये तो इस्लाम को बिगाड़ के बना बनाए गए हैं एक दीन तो एक ही है इस्लाम और आप हिंदुओं की कि, किताब में देखें तो अलैहि वसल्लम की रिसालत की उनकी बौसत की हिंदू मज़हब जो है वो काफ़ी पुराना है और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी निशानियां मौजूद हैं नाम मौजूद है उनकी वालिदा का नाम मौजूद है लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये कौन से पैगंबर थे लेकिन आज अगर ये बात यानी सबूत के तौर पर सामने आ जाए कि हाँ ये अल्लाह के रसूल थे तो हम मान लेंगे उसमें तो हमारा कि अल्लाह के रसूल हैं ला फर को बैन आदम रसूल हम उसके रसूलों के दरम्यान कोई फ़र्क नहीं करते हम तमाम रसूलों को मानते हैं सामी न यहाँ तक अगर आप दोबारा इसको ब नजर गैर जो सबक हमने पढ़ा है ये किफ तक हमने आज का सबक पढ़ा है इससे आगे फिर इनशा अगले दर्श में बात करेंगे आमनर रसूल बंजिल के रसूल का यकीन है उस तालीम पर जो नाजिल की गई है और यकीन की मैंने आपको बता दी कि यकीन की क्या कैफियत होनी चाहिए आ, और क्या उसके तकाजे हैं ये मैं यार मैंने आपको बता दिया ईमान लाए हैं रसूल यकीन है रसूल का उस तालीम पर और सामि इकर आखिरी अल्फाज के तौर पे मैं आपको ज़रूर ये यहाँ कहना चाहूँगा कि जो यकीन जिस यानी जिस तरह का यकीन होना चाहिए आज कल हमारा यकीन वो यकीन नहीं है हमारा यकीन तो जो आप देखें ना तो वो पैदाइशी मुसलमान हैं हम मुसलमान बाई बर्थ हैं लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर एक डॉक्टर के घर में पैदा होने वाला बच्चा क्या डॉक्टर कहलाने का मुस्तक है एक आलिम के घर पैदा होने वाला बच्चा जब तक वो इल हासिल ना करे तो क्या आलिम कहलाने का मुस्तक है नहीं तो ये बाई बर्थ जो चीज़ें हैं ना सामिकर बहुत ज़्यादा हम गलत फहमे में मुबतला हैं कि ये चीज़ें हमें बचा लेंगी ऐसा नहीं है लहा माँ का सबत व अल हा मक सबत में ये मजमून वाज़ हो जाएगा इन तो बाई बर्थ जो चीज़ें हैं ये हमें बचाने वाली नहीं हैं अल्लाह के आजाब से बहुत सी ऐसी बातें हैं ये, ये आप यकीन कर लीजिए कि जो पैदाइशी दिन व ईमान है ये हमारे किसी काम का नहीं जब तक उसके तकाज़ों पर अमल न करें जब तक हम दीन को समझें नहीं जब तक दीन का हम इलम हासिल न करें और अपने आप को सही मुसलमान साबित न करें और वो आमाल साल न करें जो ईमान के तकाजों के मुताबिक किए जाते हैं तो सिर्फ ज़बानी ईमान बगैर बग़ैरमल के ये मकबूल नहीं है ये क़ुरान का फैसला है ईमान और ईमान के मुताबिक आमल साल ये ज़रूर यानी अल्लाह ताला ने इसको नती कर दिया है वल आश्रसान लफ़ी हसन अज़ीन आमनु व आमिलहत ईमान के साथ जहाँ भी अल्लाह ताला ने ईमान वालों का तस्करा किया है आमल साल की क़ैद लगाई है सामिन कराम आँखें खोलनी चाहिए कान खोलने चाहिए सोचना चाहिए कि हकीकत क्या है और हम क्या सोच रहे हैं हम तो बस गुनाहों की ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं दुनिया को मकसूद बना के मन चाहिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं फिर हमारी तो ये हैं कि अल्लाह ताला हमें बख्श देगा फिर हम तो ये हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात कर देंगे ऐसा नहीं है सामी कराम सोच लेना चाहिए ऐसा नहीं कि एक बड़े नुकसान से हम दो चार हो जाएँ और अचानक वो नुकसान का सामना और उस वक्त हमें नुकसान हो जबकि बचाव की कोई सूरत हमारे सामने ना हो आज सामीन कराम मोहलत का वक्त है सोचने का वक्त है मोहलत का वक्त है हमें सोचना चाहिए आखिर दावाना अनहमदल रबालमीस वरम् वबरक